लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये लो मगर सर, बस बस अब चलो, लाइब्रेरी बंद। अरे भाई बंद क्यों अभी से? अरे बाबा सर की स्पीच, ओ समझ गए ना क्यों बंद हो रही है। यस यस, ओ माय गॉड। हाँ चलो लेट्स गो। मगर आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं कभी नहीं। अरे हम क्या डेमोक्रेसी की बात करेंगे। अरे गोली मारो यार, चलो चलो निर्भय जी को नहीं सुनना है क्या? हाँ चलो लेट्स गो। ओके मिस्टर रावत, मैं चेयरमैन से इस बारे में बात कर लूंगा। आई एम सॉरी मैं आप लोगों को चाय वाय पिला नहीं सका। दरअसल हमारे यहाँ जनरेशन गैप पर एक सेमिनार चल रहा है। आज सेमिनार का लास्ट डे है। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर निर्भय सक्सेना बोल रहे हैं और यहाँ पर कोई भी उनकी स्पीच छोड़ना नहीं चाहता। मैंने भी उनका बहुत नाम सुना है, क्या हम लोग भी? ओह श्योर, आइए। थैंक यू। अरे जल्दी चल, निर्भय साहब का भाषण शुरू हो गया है। हाँ चल। पिछले 7 दिनों से चले आ रहे इस सेमिनार में बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपने विचार रखे हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि बुढ़ापे की अवस्था एक पड़ाव है और युवावस्था एक बहाव। कुछ लोगों ने युवकों पर अपने विचारों के जोरदार घूंसे मारे हैं, जैसे मैं मित्रा जी का जिक्र करूंगा। आपने बड़े वजन के साथ कहा कि आज के युवक बददिमाग, मर्यादाहीन, उन्मादी और न जाने क्या क्या है। शायद मित्रा जी खफा है अपने लड़कों से और अपना गुस्सा सारे हिंदुस्तान के युवकों पर उंडेल रहे हैं। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि हर पुरानी पीढ़ी कभी ना कभी नई पीढ़ी रह चुकी है। इस पर एक शेर याद आया, पुरानी रोशनी में और नई में फर्क इतना है, पुरानी रोशनी में और नई में फर्क इतना है, उसे कश्ती नहीं मिलती, इसे साहिल नहीं मिलता। एक बात तो साहस के साथ मैं कहूंगा कि बहाव भटक सकता है, बहक सकता है, दिशाहीन हो सकता है, लेकिन बहाव ही कुछ बदल सकता है, क्रांति ला सकता है, पड़ाव नहीं। ज्यादा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने बदलने की बात की है, लेकिन जो बदलेगा वो पहले से अच्छा होगा या ज्यादा खराब हो जाएगा ये मैंने नहीं कहा। ये सच है कि उम्र का नशा हमें उन्मादी बना देता है और फिर होता क्या है, हम निकलते हैं किसी मसले का हल ढूंढने और हाथ आता है एक नया मसला। आज हर बात पे हड़ताल, मोर्चे, घिराव, तोड़फोड़। नहीं, ये बात हर एक युवक पर लागू नहीं होती, लेकिन कुछ लड़के संजय गुप्ता जैसे होते हैं। ये संजय गुप्ता जो अपने साथ और 10-20 लड़कों को जोड़ लेते हैं, यूनियन की बैठक होती है। लाइब्रेरी में नया फर्नीचर आना चाहिए, नई किताबें आनी चाहिए, तो क्या करना है, चलो लाइब्रेरी को ही तोड़ देते हैं। और इस तोड़फोड़ में चपरासी मनशाराम का सर फट जाता है। नया फर्नीचर नहीं आया, नई किताबें नहीं आई, हां मनशाराम के सर पर 13 टांके जरूर लग गए। ये है हमारे रंग ढंग। हमें पूरी तरह से आजादी देना, बंदर के हाथ में उस्तरा देना है। हां उस्तरा, यहां अंकुश चाहिए, यहां सोचने में ठहराव चाहिए, यहां हर कदम उठाने से पहले उसके परिणाम दुष्परिणाम की समझ चाहिए। लेकिन आज जरूरत है पिता और दादा को बेटे और पोते को समझने की, उनसे चिढ़ने की नहीं। दादाओं की भी एक बड़ी समस्या है, वो अपनी बात दादागिरी से मनवाना चाहते हैं और हर बात पे अपनी उम्र और अपने तजुर्बे का रोब झाड़ते हैं। मुझे बचपन में सीटी बजाने का बड़ा शौक था और मेरे दादाजी जो थे
वो मेरी सीटी से बहुत चिढ़ते थे, अक्सर मुझ पे भड़क जाया करते थे। तो एक दिन मैंने भी ताव में आके कह दिया कि देखिए दादाजी, मेरी सीटी आपके खर्राटों से ज्यादा खतरनाक तो नहीं है जिन्हें मैं रात भर बर्दाश्त करता रहता हूं। और दो दिन तक बातचीत बंद। वो मुझे अपने पास ही सुलाया करते थे, लेकिन जैसे ही उनकी आंख लगती मैं खिसक लेता मां के पास। सुबह जब मेरी आंख खुलती मैं वापस उन्हीं के बिस्तर पे होता। एक अलग ही रिश्ता बन गया था दादाजी के साथ। उनके ना रहने के बाद जो कमी खटकी मुझे, वो मैं कह नहीं सकता। उनकी डांट, उनका प्यार, उनका गुस्सा बहुत याद आता। सच तो ये है कि हम पिता और दादाजी की छाया से कट नहीं सकते। हमारा आधार तो यहीं से शुरू होता है। हमें जिंदगी में लड़ने और जूझने की क्षमता यहीं से मिलती है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि पुरानी पीढ़ी के पास तजुर्बे और अनुभव की आंखें हैं, लेकिन जोश और उमंग के पांव नहीं है। और नई पीढ़ी के पास जोश और उमंग के पांव हैं, लेकिन तजुर्बे और अनुभव की आंखें नहीं हैं। अगर ये दोनों चीजें एक हो जाएं, तो ही पुरानी रोशनी की कश्ती में बैठकर नई रोशनी अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। वाह वाह मेरे भाई साहब। सर एक शेर हो जाए। हाँ हाँ सर एक शेर हो जाए। चलिए शेर नहीं सवा शेर सुनिए। अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से जिंदगी कब मिलती है दोस्त, अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर। सर ये स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से आपको भेंट। सर आपकी स्पीच बहुत अच्छी लगी सर। थैंक यू वेरी मच। बड़ा मजा आया सर, आपका सवा शेर वाला शेर बड़ा जबरदस्त। सर के विचार स्वामी विवेकानंद जी से कितने मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे ठक्कर तू तू यहाँ बंबई में कैसे? वो क्या है कि तुमने अपनी स्पीच में बाकी सबका जिक्र किया, सिर्फ मैं ही रह गया था तो मैं आ गया। वैसे तो ट्रांसफर के नाम पे बुखार आ जाता है, लेकिन जब मुझे पता चला कि अपने यार के शहर में जा रहा हूँ तो बस चल दिए। तो फिर तुझे आए हुए कितने दिन हुए? बस कल रात ही तो आया हूँ। घर क्यों नहीं आया? अरे यार ठिकाना जमाने में लगा हुआ था, मेरे एक रिश्तेदार का घर यहाँ खाली पड़ा हुआ है, बस वहीं डेरा जमा दिया हमने। अकेले आदमी के लिए पूरे घर की क्या जरूरत है, मेरे साथ क्यों नहीं आ जाता? तेरी दीदी बहुत नाराज होगी। हाँ बता रहा हूँ। मैं मना लूंगा उसे। अरे हाँ कन्या ने फिर प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी की? नहीं अभी तक तो नहीं। और बताओ हमारी गुड़िया कैसी है? अब चलो घर चल के देख लो कौन कैसा है। और विजय क्या कर रहा है? अरे कोई भी आदमी पढ़ाई करने के बाद क्या करता है? नौकरी? हाँ नौकरी नहीं, नौकरी की तलाश। हाँ ऑफ कोर्स। मरले रियारा नो सोलो बस। आयो चश्मा घर भूल आए हो, दिखता नहीं है, लंगूर कहे का? माफ करना जी मेरी नजर नीचे नहीं पड़ी थी। जी हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमने भी आपको नहीं देखा। ओ जी जाने दीजिए अबे ओए आगे से नीचे देख कर ए, चल, ए, चल, ए, चल। मगर तुम लोग तीनों यहाँ लड़कियों के कैंप में क्या कर रहे हो? हम लोग पिकनिक मना रहे हैं जी। हाँ। आप लोग भी पिकनिक मना रहे? बड़ी खुशी की बात है, हम कहीं और चले जाते हैं। हाँ। वाह क्या भोलापन है, क्या भोलापन है, तुम लोग तीनों जान बुझ कर यहाँ आए हो। पर मैं बोलूँ ऐसा नहीं है जी। हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। बदतमीज तुमने छुआ मुझे, कोमल मोहिनी रितु प्रिया। पर आप क्या कह रहे हैं जी, मैं नहीं पकड़ता ना तो आप गिर जाती। शट अप। नहीं इतने सुंदर हाथों से ऐसे काम नहीं किए जाते।
क्या हुआ? क्या हुआ? तुम यहाँ? ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब और भी मजा आएगा पिकनिक का। हाँ हाँ, तुम क्या लाए हो खाने को? हम तो बर्गर्स, हॉट डॉग, चुपकर, हमेशा खाने की बात। हनी, ये विजय है, हमारे कॉलेज का एक्स स्टूडेंट, कॉलेज का नंबर वन। और विजय, ये हनी है। हनी, नाम जैसी मिठास मिजाज में नहीं है, शायद तालीम में प्यार मोहब्बत की कमी रह गई थी, इसलिए नफरत बांटती फिर रही हैं आप। वैसे इनका नाम हनी नहीं, नाक फनी होना चाहिए था। विजय, तुम्हारा भी जवाब नहीं। हनी, गुस्सा थूक दो, अब हम सब मिलकर डांस करेंगे। विजय भी बहुत अच्छा डांसर है। हाँ, मैं तो तैयार हूँ, अगर ये मेरा साथ दें तब। डांस और तुम्हारे साथ? इल्ले इले। खिले 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 निशानी दे जा ओ जाने वाली, कोई निशानी दे जा ओ जाने वाली, कुछ और नहीं तो दे जा प्यार भरी गाली, कुछ और नहीं तो दे जा प्यार भरी गाली। अच्छे नहीं लगते रे मुझे तेरे होंठ सिले सिले किले खिले 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 खिले। आपकी डिग्री और सर्टिफिकेट्स देखे हैं मैंने, कोई सिफारिश है? जी नहीं। फिर ये नौकरी आपको नहीं मिल सकती। देखिए, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। आप वक्त क्यों खराब कर रहे हैं मेरा? मिस जूली। यस मैडम। शर्मा जी का लड़का बाहर आया है क्या? बुलाओ उसे अंदर। जी। अच्छा रहने दो। उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, उसे कह दो उसे जॉब मिल गया है, कल से काम पर आ जाए। यस मैडम। और इन्हें एक गिलास ठंडा पानी दे दो। जी। देखिए, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। आप जानती हैं कि मैं ये जॉब डिजर्व करता हूँ, फिर भी। पानी लीजिए। मैं आपको नौकरी देती हूँ, मगर तुमको एक रिश्वत देने पड़ेगी। अच्छा। वो तो मैं साथ लाया हूँ। आपकी नौकरी पक्की। कैसी नौकरी दे दी आपने इसे? ये बड़ा निकम्मा आदमी है। दादी। हेलो बेटा। क्या चल रहा है? भैया कल इंटरव्यू है ना, उसी की रिहर्सल चल रही है, पूर्वाभ्यास। तुम सीरियसली नौकरी ढूंढ रहे हो? क्या भैया, आप भी मजाक करते हैं, अखबार में वैकेंसी की कॉलम देखते देखते मेरी आंखें थक गई हैं। इसीलिए नौकरी नहीं मिल रही है तुम्हें। देखो, जिंदगी में नौकरी और शादी के बारे में कभी सीरियस नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें सुनिश्चित हैं। रोजी रोटी के लिए ऑफिस के किसी कोने में एक टेबल, और जिंदगी में प्यार मोहब्बत के लिए एक बीवी। क्यों, बात है कि नहीं? बात है दादी। ये लो। कुछ करते हैं यार। क्या विजय, कैसा है? गुल्ला, लगता है तेरी बॉडी बाईं तरफ ज्यादा झुकी हुई है। अच्छा, मालूम नहीं, सीधा करने का है क्या? चल ना यार, चल। परसों जाने दे यार। आइए आइए,
धन्य भाग हमारे जो आप हमारे बीच पधारे। शंकर देखता क्या है, राम कसम ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं, इनकी आरती उतार। सुना नहीं क्या सेठ क्या बोला? फटाफट आरती उतार हमारे। ए फोकट मंडली के कप्तान, ये तेरा उधार खाता अब यहाँ नहीं चलेगा, अब यहाँ सिर्फ रोकड़ा चलेगा रोकड़ा। अरे हो जाएगा तेरा हिसाब बाबू भाई, हो जाएगा। सिर्फ ये कबार अपना बाहर जाने का चक्कर चला ना, फिर अपना सब दोस्त लोगों का कड़की पो पो वो मतलब कड़की भाग जाएगा। अयो अन्ना, ये तो हमेशा के लिए बाहर ही जाना रे, हमारा कंट्री तेरे को बहुत झेल चुका है क्या? और तू अरे यार, अरे क्या नाम है तेरा यार? मांगीलाल। पूरा नाम बोलना, मांगीलाल घनेपण। पर नाम के आगे तो बापू का नाम लगाते हैं, वो मेरे बापू का नाम है। वो जिंदा है क्या? नहीं, स्वर्गवास हो गया उनका। तो इन कलाकारों के रंग में रंग कर शांति पहुंचा रहे हो उनकी आत्मा को। अरे घनेपण, आगे का भी कुछ सोचा है कि नहीं? हाँ सोचा है। क्या? अभी तो बापू का घना माल पड़ा है, और बाद में जब मेरा बेटा पैदा होगा ना तो वो कमा के खिलाएगा। वाह वाह, क्या उच्च विचार है। बाबू भाई मैं एक फोन कर लेता हूँ। खबरदार, अगर मेरे फोन को हाथ लगाया तो। लड़कियों से चक्कर चलाता है, वो भी मेरे फोन से फोकट में। अरे बाबू भाई, अगर इसका कोई चक्कर चल गया तो फायदा भी तो आप ही का होने वाला है। फायदा मेरा कैसे? ये एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो नौकरी करती हो, माल लाती हो। अगर इसकी कड़की दूर हो गई तो आपका भी हिसाब कर देगा ना। पर स्त्री की कमाई खाना तो पाप है विजय। अरे घनेपण, स्त्री की कमाई खाना पाप है, बीवी की नहीं। तू जा फोन कर, जा निकल जाएगी यार। बाबू भाई अब फोन करो। हाँ फोन करो, फोन करो, शादी करो और मेरा हिसाब चुकता करो। जाओ 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 जाओ, फोन करो। और सुन, अगर कुछ बात आगे बढ़े ना तो 2000 रुपए एडवांस ले लेना, बाबू भाई का हिसाब कर देते हैं। वाह वाह, क्या आइडिया है। अरे तुम लोगों को इंटेलिजेंट तो मैं शुरू से ही मानता था। अच्छा बोलो तुम लोग क्या क्या खाओगे? अरे बेटे आओ इधर आओ, ये लोग जो मांगे इन्हें दो। आओ चलो। इंस्पेक्टर भाटकर बोल रहा हूँ। देखिए मैं भरत देसाई इंटरनेशनल कंपनी 36 लिंक की ओर से बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने फोन पे मार देने की धमकी दी है। आप ठीक से बताइए, किसने आपको फोन किया था? मैं उसकी आवाज पहचान नहीं पाया इंस्पेक्टर, आप फौरन आ जाइए। मैं आता हूँ। शर्मा जी साहब, जीप निकालो चलो। जी साहब। Are you all right? Yes, sir. Don't worry. फिक्र मत कीजिए, हम लोग यहीं पर हैं, okay? परसर क्या हुआ? कुछ नहीं, चल फिर हो रही।
सुमन मेरी घड़ी और कोट कहाँ है? अभी लाती हूँ भैया। सुमन सुमन बुलाना बंद कर दो, अब थोड़ी ही दिनों में ब्याह कर चली जाएगी। अब दिन ही कितनी बाकी रह गए। आप भी भाभी बस। हाँ मैं तो भूल ही जाता हूँ, ये तो हमें छोड़ के चली जाने वाली है। अच्छा अब रोने मत लगना, ले जाओ इसे स्कूल। मम्मी पापा मुझसे नाराज है, बात नहीं करते। अच्छा चलिए आप बात कीजिए इससे। नहीं मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, ये मेरी बात नहीं मानती, बहुत जिद्दी हो गई है। ठीक है चलो बुआ। अब बड़े भैया बोल दीजिए ना प्लीज। नहीं मैं इससे बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हाँ एक पप्पी जरूर ले सकता हूँ। बाय बाय पापा, बाय बाय मम्मी, बाय बाय। ये छोटे मियाँ कहाँ चले गए सुबह सुबह? कल कह रहे थे प्रशांत के भाई को एडमिशन दिलाना। अच्छा दिखता नहीं है क्या इडियट? ए मैडम गलती मेरी नहीं आपकी है, कमाल है, खुद देखती किधर है और चलती किधर है। मैं जानती हूँ ये हरकत तुमने जानबूझकर की है। वैसे था तो इत्तेफाक, लेकिन मजा आ गया। क्यों धक्के से हिल गई ना? शट अप मैडम, इस टक्कर के लिए थोड़ी बहुत कसूरवार आपकी जवानी है जिसने आपके चाल में नशा पैदा कर दिया है, और थोड़ा बहुत कसूर आपके इन जूतों का भी है। इस तरह क्या घूर रहे हो? संभालिए संभालिए, ये लड़कियां ऊंची हील पहनकर जमीन से उठने की बजाय कैरेक्टर से उठना क्यों नहीं चाहती? पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। क्या हुआ हनी, किसकी बात कर रही है तू? है एक लंगूर। छोड़ ना, तू क्या लेगी समोसे? मैं तो डोसा लूंगी। सुनो डोसा ले आओ और डोसा के पहले समोसे ले आओ, जल्दी जाओ जल्दी। क्या हुआ, कोई सीरियस बात है क्या? अब क्या हुआ, अब तेरी मुख को क्या हो गया? बहुत चलो 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 चलो। कभी कभी आया कर। वैसे चीज क्या है? क्यों कोई नौकरी वोकरी ढूंढने के नहीं? मेरे तो सब जगह देखो पर क्या करूँ। हाय आई एम दीपक, आपको शायद कंपनी की जरूरत है, एक कॉफी आप हमारे साथ पी लीजिए। अपनी ये अदा आप किसी और लड़की को जाके दिखाइए। उठिए उठिए। कमबख्त दिल को कोई जची ही नहीं जिस दिन से आपकी ये सूरत देखी है। क्यों भाई पुरुष होकर पुरुषार्थ की पुंगी बजा रहे हो, एक अबला नारी को सता रहे हो? तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, इन्हें सबक भी मैं ही सिखाऊंगी। सूरत तो तुम्हें पहले ही जज गई थी, मिजाज कैसे लगा? अबला नारी हुँ? आज की अबला नारी तुम जैसों का तबला बजाना खूब जानती है। बहुत तीखी है। भैया मेरा एडमिशन। तेरा एडमिशन हो गया है? और कल से तुझे कॉलेज छोड़ने भी मैं ही आऊंगा। क्यों बात है कि नहीं मेरी भांजी में? वैसे हनी यहाँ की सबसे टॉप स्टूडेंट है, बहुत तेजी से पिकअप किया है इसने। वैसा ही पिकअप हनी की मामी का भी था, मेरा मतलब है संगीत और नृत्य में। झगड़े में भी उसका बहुत पिकअप था, बड़ी जल्दी गुस्से हो जाती थी।
मामा जी, इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुझे देखता चलूं। हेलो हनी, तुम डांस भी सीखती हो? कमाल है, कभी बताया नहीं। रितु, मेरी भतीजी है। रितु बेटा, हेलो बोलो। हेलो आंटी। कितनी प्यारी बच्ची है। सर, मैं विजय सक्सेना। मैं भगवान दास, हनी का मामा। ओ मामा जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो। तो होगी, तो होगी। मामा जी आप चलिए। अरे ठहरो तो, तूने विजय के बारे में कभी बताया नहीं। इतना अच्छा दोस्त है तुम्हारा। दोस्त? अच्छा, हमारी कोई दोस्ती नहीं है। अच्छा, तो कड़ी उबल गई। हम छोटों का यही प्रॉब्लम है, बड़े बूढ़ों को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। जो सच है वो सच है, और फिर मामा जी से क्या छुपाना। क्यों मामा जी? वाह, बड़ी अच्छी बात कही है तुमने। ऐसे विचार, ऐसा युवक आज के युग में। वाह बेटी, मुझे तेरी पसंद पसंद आई। भाभी, तेरे देवर ने आज तीर मार लिया है, तू जल्दी से उसे शाबाशी दे। किया क्या तूने? तेरे लिए एक सुंदर सुंदर आहा, प्यारी प्यारी आहा, बहू का इंतजाम कर दिया। सच? लेकिन है कौन? है कौन मतलब, लड़की है? अरे बाबा, लड़की है लेकिन है कौन? ऊपर वाले की फैक्ट्री का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, जैसे किसी प्रोडक्ट पे होता है ISI मार्क, ये है ILU मार्क। ILU? हाँ, इलू इलू मार्क। नारंगी सा रंग, नींबू जैसी सनसनाती ताजगी, ला 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 ला, मिर्ची जैसी तीखी। उसकी थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन मैं उसको लाइन पर ले आऊंगा। मेरा भैया, मेरा तकिया भैया के रूम में, चलता हूँ। पावला हो गया पागल के ही। भैया, आजकल शहर का मौसम कुछ बदला सा नहीं लगता आपको? मौसम? हाँ, आपको नहीं लगता कुछ चेंज? चेंज? क्या कह रहा है, क्या हो गया तुझे? हवाओं का रुख कुछ बदल सा गया है, धूप में तपन तो है लेकिन थोड़ी ठंडक लिए हुए, सुबह कुछ ज्यादा खिली खिली, शाम कुछ ज्यादा मुस्कुराती हुई। ओह, मेरा तकिया। हाँ, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। क्या हो गया इसे? ऐसी हालत तो तभी होती है जब। तू मेरे को बहुत अच्छी लगती है, सो जा। तू क्यों रोती है? तू भी बहुत अच्छी लगती है, सो जा। पूछ, मैंने तेरी पप्पी क्यों ली? आपने मेरी पप्पी क्यों ली? तेरा डांस स्कूल बहुत अच्छा है। मेरे डांस स्कूल से पप्पी का क्या कनेक्शन? मुझे? आ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, आओ ना। ये आज सूरज कहाँ से निकला? अरे अरे, यहाँ मेरे पास बैठो। बहुत तेज हो तुम, आखिर तुमने दीवाना बना ही डाला मुझे। जय हनी। आज की मुलाकात मेरी स्कीम में ही नहीं थी। अरे हनी, तुम विजय के साथ? आखिर तुझे वो हो ही गया, मुझे मालूम था कि एक दिन वो होना ही था। अच्छा, तुझे मालूम था, तो बस समझ ले हो गई मोहब्बत। वाओ, तो अब एक आइसक्रीम की पार्टी हो जाए। We'll be right back.
दिन तो होनी थी कयामत, हो गई चैन मेरा खोना था, नींद मेरी खोनी थी, खो गई खो गई खो गई। एक दिन तो होनी थी मोहब्बत, हो गई दिन तो होनी थी मोहब्बत, हो गई मुश्किल, मरना है मुश्किल, जीना है मुश्किल, मरना है मुश्किल। देना नहीं था पर दे दिया दिल, दिल दे के हम तो दीवाने हुए, दीवाने हुए। पूछो ना हमसे जो हालत, हो गई एक दिन तो होनी थी मोहब्बत, हो गई मोहब्बत।
मोहब्बत 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 मोहब्बत। ए तेरी आइसिंग पिघल रही है। संभालिए अपने आप को विजय साहब। अरे तुम लोग इतना शर्माए लज्जाए से क्यों बैठे हो? खुद ही तो मिलना चाह रहे थे। ये प्रशांत। हेलो। तंबी। नमस्कारम। ये घनेपण। जय श्री कृष्ण। वैसे इसका नाम मांगी लाल है लेकिन हमने इसका नाम घनेपण रखा हुआ है। घनेपण? अब तो ये अपना पुराना नाम भी भूल गया है। पण मैं का घनेपा घनेपण बोलता हूँ। हनी अपने यार है, मस्त छोकरे लोग है। हाँ मगर आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? वो क्या है कि आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाना चाहिए, इसीलिए। क्यों? आप मुझे अपने बारे में सब कुछ क्यों बता देना चाहते हैं? हनी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और कल को हमारी शादी। शादी? अरे हनी तू हंस क्यों रही है? मिस्टर विजय पहले तो आप ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। हनी जी। हनी क्या कह रही है तू? अरे आज ही तो तूने हम सबके सामने। वो सब नाटक था, यही बताने के लिए तो मैंने तुम सब लोगों को यहाँ बुलाया है। क्या मजाक है ये? नहीं ये बिल्कुल सीरियस है। वो जो था वो मजाक था। वैसे तुम जैसे दिलफेक और आशिक मिजाज लड़के तो पहले भी बहुत टकरा चुके हैं, मैंने सोचा एक और को ही आजमा लिया जाए। मोहिनी ये लोग दिल से मालामाल और दिमाग से कंगाल होते हैं। ये बहुत हो गया हनी, देखो। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। लड़की ने एक बार मुस्कुरा के क्या देख लिया, बस हो गई अपनी लोजी, सीधा हाथ थाम के शादी के मंडप में पहुंच गए। क्या रफ्तार है आपकी विजय साहब। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं दिल ही नहीं दिमाग भी रखती हूँ। हनी ये बात तुम अकेले में भी कह सकती थी। मगर मैं जानबूझकर सबके सामने तुम्हें नीचा दिखाना चाहती थी ताकि अगली बार किसी लड़की के सामने अपना दिल बिछाने से पहले तुम मुझे याद रख सको। दरिया दिल दिखाई है तूने, 10 का नोट और दिल के मामले में इतनी कंजूस। सिक्को और दिल में शायद यही फर्क होता है मोहिनी। अरे भाई क्या कर रहे हो, हम गरीबों का पैसा क्यों लूट रहे हो? बुला पैर हटा पैसे से। ये टैक्स है अपन का, कुल्ला टैक्स। पैर हटा वरना तेरा बाया कंधा सीधा कर दूंगा। बरसो रे बरसो। अबला नारी जाइए जाइए। इंस्पेक्टर साहब मेरी गलती नहीं है। अरे गुंडागिरी करता है इंस्पेक्टर साहब। मेरी चल। हनी चल पुलिस को बता देते हैं, विजय की कोई गलती नहीं है, उसने तो हमारे लिए ही। हाँ। अबला नारी जाइए जाइए। हनी चल पुलिस को बता देते हैं, विजय की कोई गलती नहीं है, उसने तो हमारे लिए ही। देखो विजय यूं ही एक राय दे रहा हूं, ये जो तुम्हारा रिएक्ट करने का तरीका है ये एक दिन तुम्हें किसी बड़ी परेशानी में डाल सकता है। परेशानियों के डर से मैं बुजदिल नहीं बन सकता इंस्पेक्टर साहब, मुझसे जो हुआ वो सही है बस। अरे यार अब बहुत हो गया,
चल दस्तखत मार जल्दी। अस्पताल और पुलिस स्टेशन से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, नहीं साहब? हाँ, और कोशिश यह भी रहनी चाहिए कि यहां दोबारा आना न पड़े। हाँ, थैंक यू। मैं तो परेशान हो गया, पता नहीं तुझसे इतना कैसे जुड़ गया हूं मैं। चल। थैंक यू इंस्पेक्टर। राम कसम 6 घंटे हो गए, पानी तक नहीं गया हलक के नीचे। इंस्पेक्टर, मैं विजय सक्सेना का बड़ा भाई निर्भय सक्सेना। वो उसकी जमानत हो गई, अभी अभी गया वो। किसने ली जमानत उसकी? ये बाबूराम के साथ आपका क्या रिश्ता है? आपकी जमानत उसने क्यों ली? कुछ पूछ रहा हूं मैं। छोड़िए ना, जाने दीजिए, वहां उठता बैठता इसलिए। हाँ, लेकिन वहां उसके होटल में बैठकर आप करते क्या है? सारा दिन आवारा लोगों के साथ तफरी मौज मस्ती। मैंने कभी इस बात को लेकर तुम्हें नहीं डांटा फटकारा कि काम काज नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन काम नहीं होने का मतलब यह तो नहीं है कि आप वक्त बर्बाद करें, अपना बेढंगे लोगों के साथ रिश्ते बनाए। और ये गुंडे मवालियों के साथ उलझने की जरूरत क्या थी तुम्हें? भैया, वो लोग एक भिखारी को सता रहे थे। हाँ, मगर आप हैं क्या? और भी तो लोग वहां ये सब देख रहे होंगे, ये मारपीट की नौबत कैसे आई? आप मेरी बात तो सुन। देखो, ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं, जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए। कभी कोई ऐसी मुश्किल मत पैदा कर देना जिसकी वजह से मुझे किसी के सामने मदद के लिए सर झुकाना पड़े, क्योंकि स्वाभिमान ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। चलो नाश्ता कर लो। आओ आओ विजू। Yes. इंस्पेक्टर साहब, वो विजय। विजय सक्सेना जी, उनकी तो जमानत हो गई है। ओ, लेकिन गलती तो दरअसल विजय की थी ही नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो गुंडे उस भिखारी से पैसे छीन रहे थे, विजय ने तो बस उन्हें रोका था। ये बात अगर आप कल बता देती तो रात भर उन्हें लॉकअप में नहीं रहना पड़ता। जी देख हनी, तू विजय को प्यार नहीं करती, तेरी इस बात पर मैं यकीन तो नहीं कर सकती। देख मोहिनी, मैं उससे प्यार नहीं करती, नहीं करती। मेरे लिए तो उसके साथ एक पल भी काटना मुश्किल है। मैं पूरी जिंदगी काटूंगी उसके साथ। जिंदगी काटूंगी मतलब? तू क्या समझती है मैं शादी करूंगी उसके साथ? मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं। ये शादी की बात तेरे दिमाग में आई कैसे? कैसे आई मतलब? मतलब ये कि तू विजय के बारे में इतना तक सोचने लगी कि सोचते सोचते शादी तक पहुंच गई, या तूने इससे भी आगे का सोच लिया है? शट अप! मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मैंने ये सारा ब्लॉक रिजर्व कर लिया था। तू क्या का क्या बोल रही है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होता है होता है, प्यार में ऐसा ही होता है, कुछ समझ में नहीं आता, बस सिर्फ वही समझ में आता है। देख हनी, अगर विजय कोई ऐसा वैसा लड़का होता तो मैं कभी उसकी तरफदारी नहीं करती, लेकिन विजय में वो सब खूबियां हैं जो हर लड़की अपने महबूब में ढूंढती है। वो तुझे बहुत प्यार करता है और तू है कि हमेशा उसका दिल दुखाती रहती है। क्या? अब क्या करूं बता, मुझे क्या, मुझे क्या हिमालय की चोटी पे खड़े होकर चिल्लाना पड़ेगा कि विजय आई लव यू, आई लव यू विजय, आई। कोई जरूरत नहीं, प्यार करने वाले खामोशी की आवाज पहचानते हैं। हाँ, अगर तुम अपने गुरूर की चोटी से नीचे उतर आओ और यही बात प्यार भरे अंदाज से कह दो तो काफी है। ओ, तो ये सब नाटक तुम्हारा ही है, तुम बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से। बकवास बंद करो, एक सच जो तुम्हारी जुबान तक आना चाहता है मगर तुम्हारा घमंड उसे रोक लेता है, और वो सच ये है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। देखो विजय। शट अप, नाम मत लो मेरा, तुम एक सरफेरी बदतमीज और पागल लड़की हो। मैंने ये आखिरी कोशिश की थी, अब मैं तुम्हारी तरफ पलट कर देखूंगा भी नहीं। बस एक बात याद रखना,
मेरे बिना जिंदगी गुजारना तुम्हारे लिए एक सजा होगी, समझी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
मजाक है ये। अभी इस मजाक से तुम्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है, नुकसान तो आगे उठा जाओगे तुम। क्या मतलब? तुम अभी जिस लड़की के साथ थे उससे अपने रास्ते अलग कर लो, ये इश्क तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप ये नेक सलाह देने वाले होते कौन है? मुझ संभाल के बात कर, जानता नहीं है क्या साहब को? हाँ जानता हूँ, ये शहर की बहुत बड़ी हस्ती है, जानता हूँ। जानते हो तो ये बात भी जान लो कि अगर तुमने उस लड़की से दोबारा मिलने की कोशिश की। एक मिनट। माना कि आप इस शहर की तोप हैं, बहुत इज्जत है आपकी यहाँ, शायद कुछ लोग आपसे यहाँ डरते भी होंगे, लेकिन हम जरा प्राणी दूसरे किस्म के हैं, धमकी का अंदाज हमें पसंद नहीं। पहले तो आप ये बताइए कि आपका हनी के साथ रिश्ता क्या है? तेरी औकात क्या है मुझसे इस तरह का सवाल करने की? केके साहब, दामन देखकर हाथ डाला कीजिए, विजय सक्सेना नाम है मेरा। एक शरारा ही जंगल को जला देता है, नादा है तू जो शोले को हवा देता है। तेरे खून की तासीर भी तेरे भाई जैसी है, तुझे पता नहीं कि सपनों की दुनिया से निकलकर किस भयानक हकीकत का सामना करना है तुझे। खुशी हुई ये देखकर कि तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो, लेकिन मामा ने इतना माल बना कैसे लिया? किसकी गर्दन पे छुरी रखी? कौन सा बैंक लूटा? तुम यहाँ आए क्यों? चले जाओ यहाँ से, जाओ। मैं तुझे एक बात से आगाह करने आया हूँ कि तू उस प्रोफेसर के भाई के साथ अपना रिश्ता काट ले। रिश्ता तो मैं तुमसे काट चुकी हूँ, मुझ पर हुक्म चलाने वाले तुम होते कौन हो? भाई हूं तेरा, तू इस शहर में रहता है तू? हाँ। मुझे पता नहीं था, मैं तो तेरे साये तक से हनी को दूर रखना चाहता हूं। हाँ हाँ, मौत का साया हूं मैं, जेल का भगोड़ा और जल्लाद भी, मगर इसका भाई भी मैं ही हूं। ये जिस लड़के से अपनी जिंदगी के सपने जोड़ने जा रही है वो मेरे दुश्मन का भाई है। मेरी बहन मेरे दुश्मन के घर की बहू बनेगी क्या? हाँ हाँ बनेगी बहू। आज तो मुझ पर अधिकार जताने आ गए हो, किस रिश्ते से? माँ को तुम्हारी वजह से कितने दुख झेलने पड़े, तुम्हारी वजह से न जाने उनको कितनी बार नीचा देखना पड़ा, बीमारी ने उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। और भाषण मत दे मुझे, मैं यहाँ सुनने नहीं समझाने आया हूँ। आज के बाद तू उस लड़के से कोई वास्ता नहीं रखेगी। क्यों तुम हमारी अच्छी भली जिंदगी में दखल डालने आ गया? ये बेचारी माँ बाप के प्यार दुलार के बिना बड़ी हुई है, इसे बेजान खिलौने के बीच पाला है मैंने, और जब इसकी जिंदगी में विजय आया। मैंने कह दिया ना, विजय से इसका कोई रिश्ता नहीं, बस। और एक बात सुन लो, केके के दुश्मन के घर में शहनाई नहीं बजती। अरे विजय, ये ले पूरे 2 लाख है, घनश्याम जी की दुकान पे जाना, जेवर तैयार हो गए होंगे। जी भाभी। अच्छा सुन, जेवर लेके सीधा घर ही आना, घर की इज्जत की बात है, तुझे तो पता है भैया ने कितनी मुश्किल से पैसे जुटाए हैं। मुझे पता है भाभी, चलता हूँ। जल्दी आना। ये तो तेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ। राम कसम, अगर मेरी हैसियत 2 लाख की होती तो मैं यूं उठाकर दे देता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, भैया इतने कम वक्त में रुपयों का इंतजाम करेंगे भी तो कहां से? हाँ ये बात भी ठीक है,
तुम्हारा घर भी तो किराए का है। एक काम कर, तू पार्टी देख, मैं ये क्लब गिरवी रख देता हूं। नहीं बाबू भाई, तुमने इतना कह दिया काफी है। तो मैं क्या करूं, यहां घर की इज्जत का सवाल है। अगर कहीं ये शादी रुक गई ना तो अनर्थ हो जाएगा। पहले तेरे भैया को एक अटैक पड़ चुका है। एक रास्ता है विजय, काम भी नेक है और तेरा काम भी हो जाएगा। बाबू भाई मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। किसी का खून करना है। बाबू भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने सोचा मैं इतना नीच हूं? अरे तो मैं किसी धर्मात्मा के खून की बात नहीं कर रहा। वो नारू है ना, उसी को मरवाने की सुपारी निकली है। कुट्टी ने 5 लाख का डिमांड किया पार्टी से, अपन 3 लाख में पटा सकते हैं। तेरी बहन की शादी भी निपट जाएगी और मैं भी अपने छोटे मोटे खर्चे निपटा लूंगा। हाँ मगर किसी का खून? अब ज्यादा मत सोच, नारू एक राक्षस है, लोगों की जिंदगी से खेलना पेशा है उसका। एक पूरे कमजोर आदमी को मारकर उसके घर पे कब्जा करके उधर से मौत का धंधा करता है वो। पुलिस कोर्ट कहीं पर उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हो सकती। अगर कुट्टी ने कहीं सुपारी ले ली। लेकिन बाबू भाई मुझसे खून नहीं होगा। देख जल्दी कर, नारू को मारकर इस शहर का उद्धार करेगा तू, कुछ मत सोच। नारू जैसे रावण के अंत के लिए हर युग में राम का जन्म होता है, तू राम बन जा। नहीं ये मुझसे नहीं होगा। होगा राम, कसम जरूर होगा। शादी का मुहूर्त अगले बुधवार का निकला है। देखिए मेहता जी, शादी 1 साल के लिए रोकनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं आप, शादी 1 साल बात करेंगे? सक्सेना जी रिश्तेदारी में हमारा मजाक बन जाएगा। देखिए वो पूरा इंतजाम था हमारे पास, लेकिन कुछ हादसा हो गया इसलिए अब पैसे का बंदोबस्त करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त तो चाहिए। आप मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अगर आप में हैसियत नहीं है तो आपने हाँ क्यों की थी? आप समझ क्यों नहीं? मैंने आपसे कहा ना कि पूरा इंतजाम था हमारे पास, वो रुपए विजय के हाथ से छिन गए। अब 2 लाख रुपए की रकम कोई कम तो होती नहीं है। आप हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे? हम थोड़ी चाहेंगे हमारी लड़की घर में बैठी रहे। शादी के लिए आपको जल्दी थी इसलिए हमने हाँ कर दी। बहुत हो गया आप लोगों का ये तमाशा, मैं अभी और इसी वक्त इस संबंध को तोड़ता हूँ। ऐसा मत कहिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं प्रीति नहीं, इनके संबंध तोड़ने से मेरी बहन कुंवारी नहीं बैठी रहेगी। अच्छा हुआ मुसीबत के वक्त में मेहता जी की असलियत का पता चल गया कि मैं किस कमीने आदमी के घर अपनी बहन को भेज रहा था। सक्सेना जी, भैया दफा हो जाइए यहां से, दफा हो जाइए यहां से, मैं आपको एक मिनट भी यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बड़े भैया? भैया क्या हो रहा है आपको? पूछो डॉक्टर को बुलाओ। भैया भैया सुमन विजू आया था? नहीं तो कहां चला गया? हेलो
भैया आप, भैया 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 बस मुझे ये बताओ कि उसने अपनी आंखों से विजय को देखा या नहीं। बिल्कुल देखा के भाई, बिजली की कौन में लपालप चेहरा देखा अपने दुलारे भाई का। वाह बाबूराम वाह, तो वो नारू खत्म हो गया जो कभी पैदा ही नहीं हुआ था। बस यही चाहता था मैं कि प्रोफेसर खुद अपने पर वार करते हुए अपने भाई को अपनी आंखों से देखे। अब अगर विजय जिंदा बच भी गया तो फांसी के फंदे से नहीं बच सकेगा। चक्कर ने फोन करके आपको तुरंत बुलाया था। यह फोन खुद चक्कर ने किया था। देखिए आपके घाव से यह तो साफ है कि उस आदमी ने आप पर बहुत नजदीक सवार किया है। क्या आप उस आदमी को पहचान सकते हैं? ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आप? कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? बोलिए ना। डॉक्टर, डॉक्टर! भाभी, भैया। डॉक्टर साहब कैसे हैं वो? क्या हुआ उनको? ठीक तो है ना वो? घबराइए नहीं, उस किस्म का कोई खतरा नहीं। मगर वो बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? मिस्टर निर्भय बोलने की ताकत खो चुके हैं। अभी देखिए, खून काफी बह जाने की वजह से दिमाग की ब्रोकास एरिया, जहां से बोलने की ताकत का नियंत्रण होता है, उस एरिया की ब्लड सप्लाई बंद हो गई है। उसी वजह से उनके साउंड बॉक्स पर असर हुआ है और आवाज चली गई है। मगर सही ट्रीटमेंट देने पर धीरे धीरे ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगी और आवाज आ जाएगी। मगर कब? टाइम पीरियड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं उनसे कब मिल सकता हूँ? फिलहाल उन्हें होश में आने में करीबन 4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है वर्मा। यस सर। आसपास नजर रखो, मैं बाद में आता हूं।
भैया ये सब साजिश है किसी की। पहले मुझसे जेवर के रुपए छीन लिए गए, मैंने बहुत ढूंढा उस आदमी को लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। ये बात मैं आपको कैसे बताता, घर की इज्जत दांव पर लग गई थी। शायद उसे बचाने के लिए आपको किसी के सामने सर झुकाना पड़ता, मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार था और किसी ने इन्हीं हालात और बेबसी का फायदा उठाया। धोखे से मेरे हाथों आपको बरमाने की कोशिश की किसी ने और मैंने ये क्या किया। अरे पागल, दिल छोटा मत कर, तेरे भैया की आवाज हमेशा के लिए थोड़ी गई है। डॉक्टर ने कहा है धीरे धीरे आवाज आ जाएगी। भाभी, पापा पापा पापा, पापा मैंने होमवर्क भी कर लिया है और दूध भी पी लिया है और मैं उनको तंग भी नहीं करती, बोली ना पापा, उनसे बात कीजिए ना पापा। पापा मैं आपकी हर बात मानूंगी। पापा बोलिए ना पापा। पापा आप मुझसे बात कीजिए ना। मम्मी पापा के सबसे नाराज हैं। नहीं बेटे, नहीं बेटा, तेरे पापा किसी से नाराज नहीं है, हम में से किसी से भी नाराज नहीं है। एक बेदर्दी ने इनकी आवाज छीन ली, इसी वजह से हम सबकी आंखों में आंसू है। हे भगवान, उसे कभी सुखी नहीं रखना जिससे तेरे पापा की आवाज छीनी, उसे कभी। पुरानी रोशनी में और नई में फर्क इतना है, उसे कश्ती नहीं मिलती, इसे साहिल नहीं मिलता। एक बात तो साहस के साथ मैं कहूंगा कि बहाव भटक सकता है, बहक सकता है, दिशाहीन हो सकता है, लेकिन बहाव ही कुछ बदल सकता है, क्रांति ला सकता है, पड़ाव नहीं। जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से जिंदगी कब मिलती है दोस्त, अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर। Thank you.
इसे रख दो। इंस्पेक्टर भाटकर बोल रहा हूं। हाँ इंस्पेक्टर, मैं ठक्कर, हरीश ठक्कर बोल रहा हूं, प्रोफेसर निर्भय सक्सेना का दोस्त। मिस्टर ठक्कर बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? देखिए इंस्पेक्टर, आप पहले मेरी बात अच्छी तरह सुन लीजिए, वरना वो लोग किसी भी वक्त मुझ तक पहुंच सकते हैं। आप मुझे जल्दी बताइए बोल कहां से रहे हैं। मैं यहाँ अक्सा गांव माडर से बोल रहा हूँ। अरे यस सर, फॉरन पेट्रोलिंग तेरे को कवर करो, अक्सा गांव मोड़ स्पॉट करें जल्दी। यस सर। हाँ बोलिए मिस्टर ठक्कर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे धमका कर निर्भय को मेरे घर बुलवाने की साजिश रची गई थी, उन लोगों ने मेरे सर पर रिवॉल्वर रखी थी। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो दोस्त है मेरा, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। डायल नंबर घुमा। 626-3107। और जैसा कहा है वैसा बोल, नहीं तो तेरा सर। हाँ निर्भय, मैं ठक्कर बोल रहा हूँ। घबरा के नहीं, घबरा के नहीं। देखो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम फौरन मेरे घर आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग रहा हूँ। वो रहा ठक्कर। डाल साले को कड़े में। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो छोड़ो मुझे। हेलो उधर जाओ। हेलो क्या पुलिस? ठीक है हाँ। ए कहाँ जा रहा है? हाँ के क्यों छुपाया ठक्कर को तुमने? कहाँ रखा है उसे? कौन ठक्कर? किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे आदमी उसे यहाँ उठाकर लाए हैं, तुम ठक्कर से क्या चाहते हो? अच्छा उसे मेरे आदमी यहाँ उठाकर लाए हैं? यहाँ तो ठीक है, जाकर ढूंढ लो जाओ। मिल गया ठक्कर। तुम्हारे आदमी ठक्कर को यहीं लेकर आए हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तो मेरी शराफत है कि मैं तुम्हें यहां अंदर आने दिया, और तुम मुझ पर किसी के किडनैपिंग का बेहुदा इल्जाम लगा रहे हो। इसके लिए मैं तुम पर कानूनी कार्रवाई। इल्जाम तुम पर कुछ गलत नहीं लग रहा के? ठक्कर फोन पर मुझे उस आदमी के बारे में सब कुछ बता रहा था, तभी उसे उठवा लिया गया। वो यही है इंस्पेक्टर, उसे यही छुपाया गया है। मैंने भी उसे यहां ढूंढा है, फिर भी मैं तलाशी का वारंट लेकर यहां। तब तक बहुत देर हो जाएगी, ठक्कर को मार दिया जाएगा और इस कमीने का चेहरा कभी बेनकाब नहीं होगा। देखो मैं इंस्पेक्टर का लिहाज कर रहा हूं, वरना क्या करेगा तू? ये तरीका ठीक नहीं मिस्टर विजय। देखो मैं कानूनी तौर पर। बस कीजिए इंस्पेक्टर, आपने कायदे और नियमों की भेड़िया पहन रखी है और जुर्म सरेआम सड़कों पर नंगा नाच रहा है। के ठक्कर अगर जिंदा नहीं मिला तो तेरी गर्दन कानूनी फंदे की पकड़ में नहीं, मेरे पंजों की पकड़ में होगी। मैं तुझे पर बात कर दूंगा। गहरी दोस्ती है उस प्रोफेसर से, दोस्ती कुर्बानी चाहती है। Thank you.
क्या प्रोफेसर, बहुत तरस आता है तेरी इस हालत पर, मगर क्या करूं, तेरी जबान सच्चाई का जहर कुछ ज्यादा ही उगलती है। आज तेरी बीवी अचानक टकरा गई, तेरे साथ फेरे लेने की सजा काट रही है बेचारी। अरे तू तो टूटे फूटे फर्नीचर की तरह घर के किसी कोने में पड़ा होगा, उस बेचारी का ख्याल कौन रखता होगा? कौन है भैया? लाइए फोन दीजिए मुझे। भैया प्लीज मुझे बात करने दीजिए। हेलो हेलो हेलो, कौन था? आपने मुझे बात क्यों नहीं करने दी? जब आप बोल नहीं सकते तो फोन क्यों उठाते आप? मैंने पहले भी जब आपसे कहा, क्यों इनके मन को ठेस पहुंचाई? क्यों? पहले भगवान ने इतनी बड़ी सजा दे रखी है इनको, विजय आज तुम मुझसे मिलने की वजह पूछ रहे हो? हनी, मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूं जहां से कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। तुम्हारा दुख परेशानी क्या मुझसे अलग है? विजय, मैं तुम्हें तुम्हारे किसी रिश्ते या फर्ज से अलग नहीं करना चाहती, मगर मेरे सीने में भी एक दिल है विजय, जो प्यार चाहता है, खुशियां चाहता है। विजय, आज मेरे जन्मदिन पर मुस्कुराहट का एक तोहफा ही दे दिया होता। हनी, मैं मानती हूं कि प्यार ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन जिंदगी में प्यार की जगह क्या है ये भी तो मैंने तुम्ही से सीखा है विजय। लेकिन हनी, तुम समझने की कोशिश। अरे ना कुछ आगे ना कुछ पीछे, प्यार ही प्यार गगन के नीचे। अरे सुनो बेदर्दी बेदर्द सैया, हाथ पकड़ कर छोड़ दी भैया, आए छोड़ दी भैया। बेदर्द दे बेदर्द सैया, ये
जाती है। ये दिल नहीं है दुनिया के बसने, ये दिल नहीं है दुनिया के बसने, दुनिया नहीं है इस दिल के बस में, या छोड़ दे तू, या छोड़ दे तू दुनिया के रस में, या तोड़ दे तू दिल के बस में, आगे ये नंगल है तेरी मर्जी, सुन ओ बेदर्दी बेदर्द सैया, ये प्यार क्या है तू क्या जाने, सुन ओ बेदर्दी बेदर्द सैया। हनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, सपने मैंने भी देख डाले बहुत, तुम्हारे लिए हर मुश्किल हर ताकत से लड़ने का हौसला था मुझ में, लेकिन तकदीर ने मेरे साथ भयानक मजाक खेला है। आज जो कुछ भी भैया के साथ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। भैया की जान लेने की कोशिश मैंने ही की, मैंने ही उन्हें चाकू मारा था। विजय, क्या कह रहे हो तुम? विजय, ये सब मुझसे धोखे से कराया गया था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा विजय। समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं किसने बाबूराम को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। मेरे भाई केके की तुम्हारे भैया के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है, उसने मुझे धमकाया था और तुम्हारे साथ रिश्ता काटने के लिए भी कहा था। इस साजिश के पीछे किसी का भी हाथ हो हनी, उसके चेहरे पर नकाब सिर्फ तब तक है जब तक बाबूराम या ठक्कर मुझे नहीं मिल जाते। ठक्कर ने मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया था, इससे पहले कि पुलिस हिफाजत के लिए वह पहुंचती उसे उठा लिया गया। अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। आप मुझे लिखित में अपना बयान दीजिए कि केके के साथ आपकी पुरानी दुश्मनी है। उसी ने आपको जान से मारने की कोशिश की। देखिए, आपके बयान के बाद ही मुझसे कैसी दुश्मनी आपकी केके के साथ, बोलिए भैया। देखिए देखिए देखिए, मिस्टर सक्सेना, देखिए आप इन्हें समझाइए, केके शहर का बहुत बड़ा आदमी है, ऊपर तक पहुंचे हैं, ठीक सबूत और गवाह न मिलने की वजह से आज तक पुलिस से बचता रहा है। इनके ये बयान दे देने से हम उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकते हैं। प्लीज भैया, आप बताते क्यों नहीं, क्या दुश्मनी है आपकी केके के साथ, बोलिए भैया, बोलो भाभी। तो ये सब उसी का किया धरा है, इतना सब कुछ बर्दाश्त किए बैठे हैं आप, मुझसे भी नहीं कहा आपने। भाभी हुआ क्या है, मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? मैं बताती हूँ, मुझे बोलने दीजिए। ये उन दिनों की बात है जब तेरे भैया पूना के बीएम कॉलेज में थे। Sir,
बचा लीजिए सर, सर बचा लीजिए सर, प्लीज सर, सर बीमार डालिए सर। हेलो, इधर पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, कुछ नशा करता था ये, चरस स्मैक। इंस्पेक्टर कत्ल हुआ है इसका, जरा आंखों से काला चश्मा निकालिए, कन्या ने खून किया है इसका, उसने सरेआम कॉलेज में। क्या गुंडा था ये, काम करता था कन्या के साथ? इंस्पेक्टर इस लड़के ने पुलिस की मदद की थी, ड्रग्स के एक बहुत बड़े स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी इसने, और वो लाखों रुपए का जहर जो पुलिस ने पकड़ा था उसी कन्या का था। आप जरा इधर आइए, बड़ा जिद्दी टीचर है, समझने की कोशिश ही नहीं करता। जरा सोचिए, इस केस को उछाला तो आपके कॉलेज की बदनामी होगी। इस लड़के का नाम क्या है? अखिल। कन्या कौन है? गुंडा। क्या करता है? ड्रग का कारोबार। ये लड़का कौन है? बीएम कॉलेज का स्टूडेंट। फिर प्रेस, ड्रग, लोग, कन्या, अखिल, आपके कॉलेज को बड़ी शोहरत मिलेगी। मगर इंस्पेक्टर सोचिए, सोचिए। सोचना क्या है इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखिए, इस लड़के का खून हुआ है, मैं चश्मदीद गवाह हूं। पुलिस स्टेशन चलिए, हर चीज कानून से होगी ना, चलिए चलिए। देखिए मिस्टर सक्सेना, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, अरे कत्ल की गवाही देने से जिंदगी उलट पुलट हो जाती है, अरे इसे सीधा सा एक्सीडेंट का केस बना कर आगे। एक पुलिस ऑफिसर कत्ल को एक्सीडेंट बना देना चाहता है? बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं आप। ये कुर्सी और ये वर्दी क्या जंच रही है आप पे इंस्पेक्टर? आप जैसों को देखकर अपने देश के दुर्भाग्य पर तरस आता है। देखिए मिस्टर सक्सेना, दिखाइए मत लिखिए, मैंने अखिल मिश्रा का कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा है, और खूनी इस शहर का नामी गुंडा कन्या है। लिखिए, मैंने उसके साथ हाथापाई भी की है। लीजिए दस्तखत कीजिए, मगर लगता है आप कन्या को ठीक से जानते नहीं है, वो आज तक किसी मामले में अंदर नहीं आया। कन्या का ये रिकॉर्ड बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है ना आपको इंस्पेक्टर? ये मामला कन्या के साथ साथ आपको भी भारी पड़ेगा। तुम जैसे लोग हम जैसों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते मास्टर। तेरे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं थानेदार। लिटरेचर का लेक्चरर इतना बहादुर होगा ये पहली दफा देखा है मैंने। समाज के बुरे लोगों के खिलाफ इनके अंदर तो तेजाब भरा हुआ है भाभी। हाँ? भाभी नहीं, दीदी। दीदी? दीदी क्यों? इसलिए कि इतनी खूबसूरत पत्नी सबकी दीदी होनी चाहिए सिवाय आपके। कल प्रीति से राखी बंधवा ले। आप कहे तो अभी। मेरे खिलाफ बयान देता है। आ 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
ये तूने ठीक नहीं किया प्रोफेसर, मुझे बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस दिन मैं बाहर आया ना, उस दिन मैं तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। अब अगर एक भी लफ्ज निकाला तो तू अदालत में अपनी गवाही देने के भी काबिल नहीं रहेगा। क्या रहे सब, क्या रहे? ये तुम्हारा काम कर रहा हूं इंस्पेक्टर। वो रहा कन्या, अखिल मिश्रा का खूनी। हाँ, मगर तुम ये सब कर रहे हो, इसका मतलब समझते हो? समझता हूं इंस्पेक्टर, समझता हूं, और तुम्हारा कामकाज भी अच्छी तरह समझ गया हूं मैं। मेरी रिपोर्ट के बाद बजाय इसे गिरफ्तार करने के तुमने इसे आगाह कर दिया और इसने मेरे ही घर पर मुझ पर हमला किया। किसी ने देखा? आस पड़ोस का कोई गवाह? जी हाँ, ये सब मेरी मौजूदगी में हुआ है। इंस्पेक्टर, आप हमेशा कोई ना कोई बहाना खोजते रहते हैं इसे बचाने का। देखो, तुम इस तरह कानून को हाथ में लेकर अपना ये सड़ा हुआ भाषण, कानून को हाथ में लेकर ही ये हो पाया है। कानून को हाथ में लिया है मैंने। अरे कानून को ऐसे हाथों में दिया ही क्यों गया जो हाथ चूड़ियां पहनने के भी लायक नहीं है। देखो सक्सेना, दिखाई ये नहीं सुनिए, अपराधी आ चुका है सलाखों के पीछे। ये इसने इस शहर में तबाही का तांडव मचाया हुआ है। जीना मुहाल हो गया शरीफ लोगों का इस शहर में। जहर उतार रहा है समाज की नसों में ये आदमी। अच्छा, तो लगे हाथ मुजरिम करार देते हुए कोई दफा लगाकर सजा भी सुना दीजिए। अरे कोई कोर्ट कचहरी सबूत गवाही कुछ होता है कि नहीं? वो सब हो जाएगा, बस तुम अपनी सोई हुई आत्मा को जगाओ, अपने बचे कुचे जमीर को टटोलो और कानून की पकड़ को इतना ढीला मत छोड़ो कि इंसाफ के लिए इसे कोई भी अपने हाथों में ले सके। मैंने सोचा था शायद कन्या का मनुसाया हमारे खुशियों के घरौंदे पर नहीं पड़ेगा, पर मुझे क्या पता था। इतनी बड़ी बात आप लोगों ने छुपाई मुझसे, क्यों भैया क्यों? भाभी, अगर मुझे यह सब पता होता तो भैया की ये हालत ना होती। ये सब छुपाने की भूल आपने की और सजा मैंने पाई। विजू? हाँ भाभी, मुझे धोखे से इस चाल में फंसाया गया। भैया को अनजाने में चाकू मैंने ही मारा था। तूने? भाभी, रुपए चोरी हो जाने के बाद मुझे ये लगा कि भैया को किसी के सामने मदद के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, तो मैंने बाबूराम के कहने पर रुपयों के लिए किसी को मारने का काम ले लिया। उस कमीने ने मेरे ही हाथों भैया को मार देने की साजिश की। कितना बड़ा पाप हुआ मुझसे भाभी, मैंने कितनी बेदर्दी से भैया को चाकू मारा। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। नहीं विजू, दोषी तू नहीं है। भूल से तूने जिस सुहाग को छीनने की कोशिश की वो मेरा है ना? मैंने तुझे माफ कर दिया और प्रायश्चित से पाप धुल जाते हैं। भाभी, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, मैं उसे इस गुनाह की बहुत बड़ी सजा दूंगा। जिस तरह मैं अपने अंदर के तूफान को नहीं रोक सकता, उसी तरह आप भी मुझे नहीं रोक सकते। अब ये तूफान दुश्मनों की दुनिया को उजाड़ कर ही थमेगा। अपुन भाई, लगता है आजकल तेरे को विजय से बहुत डर लगता है। क्या बोला? मैं डरता हूं उससे? नहीं भाई, तू डरा रहा है मेरे को। मैं नहीं डराता भाई। चुप है,
अबे वो केके भाई ने यहाँ अंदर का काम दिया इसलिए, वरना अपन अगर बाहर होता ना तो उस विजय को सलाम दे रे। ए विजय केके चूहों की तरह छुपके बैठा है यहाँ। बोल बोल केके का है? मेरे को नहीं मालूम। बोल केके कहाँ है? वो दरिया किनारे वाली सीमेंट फैक्ट्री में। मुन्ना। हाँ भाई। मुन्ना। अरे यार कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? क्यों क्यों? क्योंकि तेरी मुश्किलों में हम भी तेरे साथ हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। कैसा बात करता है रे तू? ये जंग सिर्फ मेरी अपनी है, सिर्फ मेरी, और इस जंग में मैं अपने दोस्तों की कुर्बानी नहीं दे सकता। विजय, 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 कहाँ जा रहे हो तुम? मेरा भाई वो इंसान नहीं विजय, वो हैवान है हैवान। सब कुछ हो गया तो विजय, तुम कुछ दिन के लिए शहर छोड़ के चले जाओ विजय। तुमने ठीक ही कहा कि वो हैवान है, उसकी मौत मेरी है। छोड़ छोड़ हट, चल हरी चल, के छोड़ दे हरी, चल के बैठ बैठ सब, चल के छोड़ दे, खत्म कर दो इसको, छोड़ो छोड़ो उसे। बाबूराम साले नारू कोई और नहीं तू ही है। भैया भैया नहीं भैया भैया छोड़। बहुत हो गया तेरा नाटक, बहुत हो गया। तू क्या क्या नीचा दिखाना चाहती है मुझे? अरे तेरे भाई की जिंदगी हो जिसने बेसुरा कर दिया, उसी के भाई के साथ अपनी जिंदगी के तार जोड़ना चाहती है? अपनी शिकस्त के रास्ते में आने वाले हर तार को मैं काट देता हूं। हेलो के बोल रहा हूँ। किसी भी खूबसूरत चीज को बुरी खबर देना कुछ ठीक नहीं लगता। खैर तुम्हारा लाडला देवर विजय जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है बेचारा। नहीं क्या हुआ मेरे विजय को? हेलो वो गुलाबा के पुराने कारखाने में अंतिम सांसें गिन रहा है। अपने पति से कहो कि अपनी टूटी फूटी आवाज में उसे लोरियां सुनाए ताकि वो चैन से सो सके। सुमन हम अभी आ रहे हैं। चंगेज मेरी बात सुन। बिजू 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 Major!
विजू 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 भैया आप विजू विजू देखिए किसी भी तरह का तनाव आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ डालेंगे तो फिर ट्रीटमेंट का कुछ फायदा नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तुझे, ये मामूली जख्म तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरे भाई। विजू कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा, दुश्मनों की तबाही अभी देखनी है। विजू ये लड़ाई अभी लड़नी है। सुनिए कहाँ जा रहे हैं आप? विजू विजू इसे भी पटेल की तरह खत्म कर दो। Yeah!
परिवार को पत्थरों के तरह पीसने का इंतजाम कर लिया है मैंने। चलो बोलो। पापा, चाचा, हमें डर लग रहा है पापा। पापा, हमें बहुत डर लग रहा है। हमें बहुत डर लग रहा है। पापा, पापा, हमें बहुत डर लग रहा है। चाचा, ये तो ऋतु की आवाज लगे हैं। उधर होंगे वो लोग, चलो जल्दी चलो। बचाने अब कोई नहीं आएगा। तूने हमारी खुशियां छीनी। Thank you.
मुझे एक बार मौत देकर मेरे इंतकाम की आग ठंडी नहीं होगी। तू जितनी बार इस धरती पर आएगा तेरी मौत का कारण मैं ही बनूंगा। इंस्पेक्टर, आप विजय को क्यों हथकड़ी पहना रहे हैं? इसने केके जैसे पापी को मारकर कोई गुनाह नहीं किया। मैं समझता हूं, इस बात का मुझे खुद अफसोस है। मैं कबूल करता हूं कि कानून की कुछ कमी की वजह से ही केके जैसे मुजरिम फलते फूलते हैं, लेकिन हमारी कुछ बंदिशें, कुछ दायरे हमें बांध देते हैं। मैं कोशिश करूंगा विजय को कम से कम सजा हो। भाभी प्लीज, आप लोग इस तरह, अब इन आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। विजय को उसकी विजय के लिए आंसुओं से नहीं मुस्कुरा के विदा कीजिए। प्रशांत, तंबे नहीं तंबे, ए मांगीलाल, मांगीलाल नहीं कणपण। बिजू